ओम ज्ञानतिमिरां दत्त ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरकृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीशः गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे सत्यवतये नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म विष्णु पाद श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत बुद्धि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म मिथिला प्रविष्ठम विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज विशेष करके ये नियम सेवा है, तो विशेष करके ये जो महीना है इसका नाम कार्तिक महीना है। कहते श्री कार्तिक महीना की जो कार्तिक ईश्वरी श्रीमती राधा रानी इसी महीना की अधिष्ठात्री देवी है। इसलिए गुरु जी कहा करते थे ये व्रत का अलग अलग नाम से ये व्रत को पुकारा जाता है। एक तो राधा दामोदर महीना, फिर ऊर्जा व्रत है कार्तिक ईश्वरी श्रीमती राधा रानी का व्रत, अलग अलग नाम से ये महीना को पुकारा जाती है। और जितने महीना में जो सर्वश्रेष्ठ महीना, फिर जैसे कहते श्री पुरुषोत्तम महीना, इसको भी तीनों साल में एक बार आती है, लेकिन पुरुषोत्तम महीना की अधिष्ठात्री देवता श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण व जगन्नाथ है। लेकिन इसी महीना की जो अधिष्ठात्री है वो श्रीमती राधा रानी, इसलिए इसको कहते ऊर्जा व्रत। ऊर्जा मतलब होता है तेज व प्रकाश। हम कितना भर्गो देवस्य, भर्ग मतलब होता है तेज, कहते मूल जो ऊर्जा व मूल शक्ति कौन है, कहते लादिन या महाशक्ति सर्वशक्ति बरियसी कहती श्रीमती राधा रानी। इसलिए इसी महीना की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी, राधा रानी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए गुरु जी कहा करते थे इसी महीना में अगर कोई थोड़ी सी कोई अगर इसी महीना में अपना नियम निष्ठा को साथ में भजन करे,
इसलिए ये महीना को भी कहते हैं नियम सेवा। नियम सेवा मतलब क्या है, हम जितने साधन भजन रोज करते थे इसी महीना में ये साधन भजन को थोड़ी सी और आगे बढ़ाएं। जितना हम माला करते थे संख्या माला, कोशिश करनी चाहिए इसी महीना में और थोड़ी सी ज्यादा माला करने के लिए। विशेष करके अभी अगर घर में रहते तो घर का सारे काम काज करना पड़ता हमको, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी काम नहीं, प्रसाद भाव एक ही काम है, प्रसाद भाव हरी कथा सुना और भक्तों के साथ में परिक्रमा करो। इसलिए ये महीना में कोशिश करना थोड़ी सी ज्यादा संख्या माला को बढ़ाने के लिए। नियम सेवा मतलब ये नहीं नियम करके स्वयं है, इसलिए नहीं नियम करेंगे स्वयं नहीं, नियम करके जागेंगे, ठीक है ना। और रोज मंगला आरती में आना, मंगला आरती से पहले उठ करके अपना तिलक और अपना गायत्री मंत्र जप करके और आना, और रोज जो स्तुति स्तव जो कीर्तन होती है रोज की स्तुति स्तव कीर्तन में बैठ करके, जैसे गोस्वामी लोग संख्या पूर्वक नाम गान नदी काला बसानी कृत निद्रा आहार का दिविहार विजित सात्यंत दीन जजो राधा कृष्ण गुण स्मृति न मधुरिमान सन्मोहित वंदे रूप सनातन मृगजुग श्री जीव गोपाल। जैसे हमारे गोस्वामी लोग संख्या पूर्वक नाम करते थे, संख्या पूर्वक गान करते थे, संख्या पूर्वक है स्तुति स्तव करते थे, वैष्णव का उद्देश्य में प्रणाम करते थे, इसलिए इसी महीना में गुरुदेव कहते थे कार्तिक स्वरी श्रीमती राधा रानी बड़ी दया इतना करुणा कुरुमयी करुणा भरिते सान का सनातन वर्णित चरित। इसलिए इसी महीना में अगर थोड़ी सी कोई राधा रानी के उद्देश्य में भक्ति करे तो राधा रानी बड़े जल्दी से जल्दी प्रसन्न होकर के अपना भक्ति को अपना प्रेम को श्री राधा रानी हमें प्रदान करते। इसलिए इसी महीना में थोड़ी सी कोशिश पर ज्यादा साधन भजन करने की, और इसी महीना में जहाँ का बाहर मत खाया करो, मंदिर में जो प्रसाद बनते हैं वो प्रसाद भी भोजन करो, क्योंकि इसी महीना में जो तेल है हैं? इसी महीना में और कोई तेल नहीं चलती है, केवल सरसों का तेल नहीं चलती है, मूंगफली तेल नहीं तो घी। और मेरे जो गुरु जी के मठ में तो इसी महीना में केवल हर चीज उबाल उबाल कर खाते थे, खब सीधा करके हैं, जो जो कुछ करके सीधा करके बस थोड़ी सी घी नहीं तो तेल से छौंक दे करके अदरक छौंक दे करके सीधा से सीधा एकदम एकदम सरल से सरल रूप में उसको खाते थे। और ज्यादा से ज्यादा भगवान की भजन करते थे, या तो कोई चना चूर कोई तेल में कोई बुरा हुआ चीज नहीं खाया करते थे, एक कभी यहाँ तक भी मुरमुरा नहीं खाते थे हैं, कि कोई भी भाजा हुआ चीज को नहीं खाते थे। इस महीना में कोशिश करते थे सादा से सादा न चीज खा करके ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की भजन करें। जैसे चार महीना में जैसे परवल नहीं खाते थे, घिया नहीं खाते थे, बीन्स और तरह तरह का जो चीज नहीं खाते थे, परवल और बैगन नहीं खाते थे, इसी महीना में विशेष करके सरसों सरसों जाती है कोई भी चीज हो सरसों तेल आदि इसको नहीं लेनी चाहिए इसी महीना में। जितना सरल से सरल रूप में जीवन यापन करते हुए ज्यादा से ज्यादा इसी महीना में हमें भजन करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए गुरुदेव कहते जो ये जो महीना है अक्सर करके भगवान की ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी कौन सा महीना में लीला की इसी महीना, ये महीना की इतने महत्व क्यों। गुरु जी कहते थे इसी महीना में ही कृष्ण ने घर घर में मक्खन चोरी करते थे, इसलिए मैया ने कन्हैया को इसी महीना में उदुकल में बांध दिए थे। भगवान को थोड़ी कोई बांध सकते, जो विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है हैं, उनको जगत में कौन ऐसे व्यक्ति को बांध सकता है। इसलिए जब जब मैया बांधने के लिए कोशिश करती थी उसमें दो उंगल कम पड़ती जा रहा था, बोले क्यों,
बोले एक अंगुल तो साधक की साधन चेष्टा और जो दूसरा अंगुल है भगवान की कृपा। भगवान को कौन बांध सकता है, भगवान बंधते है, लेकिन इस भक्तों का प्रेम सही ठाकुर जी बंधते है और किसी उपाय के द्वारा नहीं। इसलिए मैया तो बड़ी कोशिश की लेकिन बांध नहीं पाए। लेकिन जब ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गए ठाकुर जी, सवेरे से शाम हो गया उसको बांधने के लिए, लेकिन किसी तरह से कृष्ण को मैं बांध नहीं पा रही, मेरे लाज बचा। जब उन्होंने शरणागत हो गए ना, बोले माता परिश्रमम पृष्ट कृपया असीत प्रबंधने, माँ की परिश्रम को देख करके भगवान ने कृपा करके बंधन को स्वीकार की। वो बंधन नहीं, कृपा करके उन्होंने स्वीकार किए हैं। कौन सा महीना में, बल्कि इसी महीना में। इसलिए गुरु जी कहते थे जैसे भगवान अनंत असीम, जिसका बाहर नहीं जिसका भीतर नहीं, होते हुए भी माँ की प्रेम से जैसे इसी महीना में बंधे हैं। अगर इसी महीना में थोड़ी सी अगर कोई भक्ति करे तो भगवान क्या होंगे, उसका प्रेम से भगवान बंध जाएंगे। ये तो हो गया कि जसोदा दामोदर और एक है राधा दामोदर। तो इसी महीना में ही ठाकुर जी ने रास रचाया। जब उन्हें रास की इसी महीना में, जब श्री राधा रानी की मतलब कृष्ण मेरे साथ में भी है और कृष्ण सबको साथ में भी है, क्या मैं सबको साथ में बराबर क्या हो गई मैं? ये राधा रानी की महान हो गई, अब गोपियों की हो गई सौभाग्य। सौभाग्य मतलब क्या, कृष्ण इतने गोपियों की हाँ बाहबा इतने गोपियों की चापुरासी कर रहे थे हैं। जो एक आंख में काजल पहन करके आई, कृष्ण दूसरे आंख में पहना था। जो गले की कर्धन गले की हार को कमर में, कमर की कर्धन गले में कृष्ण ठीक से पहना दिया। जो आधा कपड़ा पहन करके आए तो कृष्ण पूरी कपड़ा पहना दी। गोपियों ने सोचे हमारे जैसे जगत में कौन सौभाग्यपति हो सकता है, देखो कृष्ण हमारे कितने आदर कर रहे हैं। इनके अंदर में क्या भावना आई, बोले स्वतंत्र नायिका। स्वतंत्र नायिका मतलब है कृष्ण, कोई राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, राधा रानी के बगल तो हम पूर्ण है। कृष्ण देखा तो गड़बड़ हो गया, ये सब के सब तो राधा रानी को ही नेगलेक्ट करना शुरू कर दी, जो रासेश्वरी है जिसकी वजह से ही ये रास है। इसलिए कृष्ण उनकी सौभाग्य मद को दूर करने के लिए, राधा रानी को बनाने के लिए अंतर ध्यान हुए। जब गोपियों ने ढूंढते ढूंढते कृष्ण नहीं मिले, इतने में जमुना किनारा में बैठ करके जब इन लोगों ने गोपी गीत को गाए, गोपी गीत में भगवान संतुष्ट होकर के बोले तासाम अभिमुत सौरी स्मयमा मुखाम्बुज पीताम्बर धर सर्गी साक्षात मनमथ मनमथ। भगवान स्वयं साक्षात मनमथ का मनमथ रूप देख रूप लेकर के गोपियों के बीच में भगवान प्रकट होते हैं। पर श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, लगता है कोई किसी किसको झपकी आ रही है। बोले श्री रास लीला की जय। भैया ठाकुर जी का अर्थ कहा, तुलसीदास और ठाकुर जी का अर्थ परम गुरु जी का अर्थ करके हम जाएंगे। तैयार है महाराज जी, वहां करो ना करो, फटाफट कर दो अर्चन, आरती करके हम चले जाएंगे। इसलिए कहते जिस समय कृष्ण अंतर जब कृष्ण प्रकट हुए, गोपियों ने अपना चुंदरी को उतार करके वहां पर आसन बनाए और आसन बना करके उन्होंने वहीं पर से श्याम सुंदर पर राधा रानी को बैठा। और राधा रानी का जो चुंदरी कृष्ण का जो चादर था ना, कृष्ण का जो उन्होंने किया कि अच्छे तरह से गांठ बांध दी, बोले ये कन्या बड़ा नटखट है और हमारे किशोर जी को छोड़ करके ये बारम्बार ये भाग जाते हैं, ऐसे गांठ लगा दो जैसे श्री श्याम सुंदर यहाँ से भाग नहीं पाए। इसी महीना में ही उन्होंने गांठ बांध दिए थे, क्योंकि भगवान को कौन बांध सकता है बताओ, भगवान को कौन वशीभूत कर सकते, कोई नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैया यशोदा की प्रेम से श्री राधा रानी की प्रेम को जरा श्याम सुंदर जी से बंध गए,
कौन सा महीना में? इसी महीना में ही बंद गए थे, इसीलिए इसी महीना में अगर थोड़ी सी कोई ठाकुर जी की भक्ति करना, ठाकुर जी संतुष्ट हो जाते, उसको अपना प्रेम भक्ति प्रदान करते, इसीलिए इसी महीना की बड़ी महत्व है। इसलिए गुरु जी कहते थे इसी महीना में ही कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को लेने उठाया, इसी महीना में ही ठाकुर जी कंस को वध किए, इसी महीना में ही कृष्ण की अक्सर करके जो लीला हुई है वो इसी महीना में ही ठाकुर जी किए, और विशेष करके इसी महीना में ही हमारे बहुत सारे गुरु वर्गों का किसका तिरुभाव तिथि और किसका आविर्भाव तिथि। देखो आज का दिन, जिस दिन ये परिक्रमा शुरुआत कार्तिक महीना में, इसलिए इसी महीना में आज का दिन ये कौड़ीय वेदांत समिति का जो संस्थापक नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद शोधर श्री श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज का आज तिरुभाव महाभाव है। श्रील भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज, इसलिए आज का दिन गुरुदेव कहते थे आज का दिन ही उन्होंने क्यों अप्रकट लीला का आविष्कार की, बोले कारण है आज भगवान शारदीय जो रास है ये रास रासलीला भी ठाकुर जी कर रहे थे। रासलीला करते समय महाराज जी कौन सा समय में ये अंतर्ध्यान लीला प्रकट की, बोले ठीक शाम का जब आरती हो रही थी, आरती होते होते इतने में हठात किया हुआ राधा रानी के गले में जो फूलों की माला थी ना हठात टूट कर गिर पड़ा, हठात टूट कर गिर पड़ा, और ठीक इसी समय में ही हमारे भक्ति प्रज्ञान के स्वरूप गोस्वामी महाराज ने अंतर ध्यान हुआ। मानो जब भगवान रास कर रहे थे, रास में तो सब सखियां थी, लेकिन गुरु जी कहते थे एक सखी वहां पर बाकी थी, बोले कौन? बोले ये विनोद मंजरी बाकी थी। इसलिए मानो ठाकुर ने ये विनोद मंजरी को भक्ति प्रज्ञा उनको ब्रह्मचारी का प्रभुपाद जो नाम दिया था विनोद बिहारी, विनोद बिहारी हैं, कहते मानो उनका जो निश्चय सिद्ध स्वरूप को प्रभुपाद ने उनको प्रदान किया था ये विनोद मंजरी कृष्ण लीला में, इसलिए ये चीज का अभाव थी, इसलिए उन्होंने उसी समय राधा रानी गला से माला टूटी, ठीक उसी समय महाराज जी अंतर ध्यान लीला प्रकाश किए। इसलिए एकदम तिथि का पहला दिन ही महाराज का तिरुभाव, फिर उसमें श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, फिर मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज इनका भी जन्म तिथि, श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज का तिरुभाव तिथि है इसी महीना में, और इसी महीना में भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज का तिथि, इसी महीना में भक्ति रक्त श्रीधर गोस्वामी महाराज का तिथि, इसी महीना में भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज का तिथि, इसी महीना में श्री बाबा इसलिए भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज का इसी महीना में, उनका भी इसी महीना में तिथि, इसलिए गौर किशोर दास प्रभाजी महाराज का तिथि, इसलिए बहुत बहुत सारे वैष्णवों का इसे नरोत्तम दास ठाकुर का भी तिथि इस महीना में, इसलिए जो महीना है ना गुरु जी कहते थे ये महीना अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण ये महीना है, इसलिए इसी महीना जैसे हम लोग एक महीना तक जैसे ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे, इसलिए जो लोग ये परिक्रमा में आए हैं आप लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, इसी महीना में आप लोगों ने परिक्रमा लगाने के लिए आए और इसी महीना को पालन करने के लिए आए, हम लोग बड़े सौभाग्यवान केवल और संपूर्ण रूप में कृष्ण का जितने लीला स्थलियों को हम भी दर्शन करने के लिए हम सब जाएंगे। इसलिए गुरुदेव कहते थे नारद जी भगवान से दो बार, नारद जी भगवान से दो बार मांगे थे, पहला बार था हे ठाकुर जी अगर कोई वैष्णव की अनुगत्य अपने जहाँ जहाँ पर लीला की है अगर वहाँ पर जाए वहीं पर बैठे वहाँ के चरणों में लगाए कथा सुने एक दिन जैसे वहाँ की लीला उसके हृदय में प्रकाशित हो और हृदय से सारे अनर्थ दूरीभूत हो जाए और उनका राधा रानी की प्रेम भक्ति उनको प्राप्त हो, इसलिए ये महीना हर दृष्टिकोण से ये महीना की बहुत महत्व है। इसलिए अभी हम लोग यहाँ पर महाराज जी का आरती करेंगे, आरती जलाओ तो जा आरती जलाओ
आरती करेंगे, इसके बाद में फिर हम गोपीनाथ भवन जाएंगे, फिर वहाँ पर हम लोग कथा सुनेंगे, आरती करेंगे, फिर आज का दिन हम संकल्प लेंगे, जैसे एक महीना तक हमारी परिक्रमा जैसे अच्छे तरह से हो जाए वहाँ पर हम संकल्प करके, फिर आज जो व्रत है राधा दामोदर व्रत है, उसके बाद में राधा दामोदर मंदिर में जाएंगे और ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हुए फिर मंदिर में जाएंगे, आकर के फिर हम लोग नाश्ता लेंगे, फिर दोपहर में भी दूसरे दूसरे गौड़ीय मठ से ब्रह्मचारी सन्यासी लोग आएंगे, वो लोग सुंदर सुंदर कथा सुनाएंगे, आज दिन भर हरी कथा हरी कथा और हरी कथा में जीवन, ठीक है, गीताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरे कृष्ण बल जय जय गुरु